नमस्कार बच्चों, आज हम एक कहानी पढ़ेंगे जो कि अभ्यास के बारे में। अभ्यास यानी क्या बच्चों? प्रैक्टिस। जितना हम ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना हम परफेक्ट होंगे। तो इस कहानी के द्वारा यही बताना चाह रहे हैं कि अभ्यास जितना करने से हमको कितना फ़ायदा होगा, वही इस कहानी के द्वारा आपको मैं बताना चाहती हूँ। अभ्यास का महत्व क्या इम्पोर्टेंट है, अभ्यास यानी प्रैक्टिस या पढ़ाई कुछ भी बोल सकते, तो उसका कितना महत्व है हमारे जीवन में, एक कहानी के द्वारा मैं आपको बताऊंगी। एक गांव के बाहर एक तालाब था। तालाब यानी छोटा सा पाउंड जहां पर पानी रुका हुआ रहता। तालाब यानी एक छोटा सा पाउंड। तालाब में मछलियां थी। उस तालाब के पास एक मेंढक भी था। तालाब के पास ही एक मेंढक, मेंढक यानी फ्रॉग, एक मेंढक था। उसका नाम रुक्कू था। मेंढक का नाम क्या था बच्चों? हाँ, रुक्कू। रुक्कू कभी ज़मीन पर बैठता, कभी पानी में कूद जाता, कभी कभी उछल कर वो कहाँ बैठता? ज़मीन पर बैठता, तो कभी उछल कर वह पानी में कूद जाता। कूद जाना यानी जंप करना। मछलियों को तैरते देखकर उसे बहुत अच्छा लगता था। हमेशा वो मछलियों को तैरते पानी में जाकर वो क्या देखता था? मछलियाँ तैरते रहती। तैरना यानी स्विंग करना, स्विमिंग करना। वो देखकर वो बहुत खुश होता था। उसे यह देखना बहुत अच्छा लगता था। एक दिन रुक्कू सुनहरी मछली के पास गया। सुनहरी मछली यानी गोल्डन फिश। एक दिन वह सुनहरी मछली के पास गया और पूछा, सुनहरी बहन, मैं तैरना सीखना चाहता हूँ। मेंढक को तैरने आता नहीं आता, लेकिन वह अपनी इच्छा किसको बताया? मछली को बताया। कौन सी मछली को बताया? सुनहरी मछली को बताया कि सुनहरी मछली बहन, मैं भी तैरना सीखूंगा, स्विमिंग, तैरना यानी स्विमिंग करना सीखूंगा। ऐसा किसने बताया बच्चों? मेंढक ने। क्या तुम मुझे तैरना सिखाओगी? वो किससे पूछ रहा है? सुनहरी मछली से पूछ रहा है। कौन पूछ रहा है? मेंढक, कि क्या तुम मुझे तैरना सिखाओगी? सुनहरी मछली बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम प्रातःकाल आ जाना। प्रातःकाल यानी सुबह, अर्ली मॉर्निंग, प्रातःकाल यानी। तो वो सुनहरी मछली बोलती, हाँ मैं तुम्हें सिखाऊंगी, लेकिन तुम प्रातःकाल आ जाना, सुबह सुबह आ जाना। अगले दिन सवेरे मेंढक पानी में कूदा। मछली ने उसे तैरना सिखाना शुरू कर दिया। अगले दिन वह मेंढक जल्दी से आया और पानी में कूद गया और मछली उसे तैरना सिखाना शुरू कर दी। दो तीन दिन बीत गए। मेंढक का जी उब गया। जी उबना यानी बोर होना, जी उबना यानी बोर होना। दो तीन दिन लगातार वह सुबह जल्दी उठता और जल्दी जाकर सीखने लगता, लेकिन दो तीन दिन में ही वह ऊब गया। ऊब जाना यानी बोर होना। उसने सोचा, सुबह सुबह कौन उठे, बस फिर वह गया ही नहीं। उसे जल्दी प्रातःकाल आने के लिए कौन बोलता? सुनहरी मछली बोलती। तो दो तीन दिन वह सुबह सुबह जल्दी से उठकर जाने लगा, लेकिन रोज़ सुबह उठना उसके लिए इम्पॉसिबल था और वह बोर हो गया, कौन जाता बोलकर। फिर चिड़िया को आकाश में उड़ते देखा। रुक्कू सोचता, यदि मुझे उड़ना आ जाए तो मैं भी आकाश में उड़ता फिरूं। अब वो ऊब गया, बोर हो गया, स्विमिंग छोड़ दिया, सीखना छोड़ दिया। और अब क्या करता है वो चिड़िया? एक चिड़िया आकाश में उड़ रही है और उसको देखकर सोचने लगता। सोचना यानी थिंक करना। सोचने लगता कि मैं भी आकाश में, आकाश यानी आसमान, स्काई, आकाश में उड़ना चाहूँगा। उसी समय वह एक चिड़िया आई। ऐसे ही वह सोच रहा था, उतने में वहाँ पर एक चिड़िया आई। रुक्कू ने चिड़िया से कहा, रुक्कू कौन है बच्चों? मेंढक। हाँ, रुक्कू ने चिड़िया से कहा, चिड़िया बहन, मुझे उड़ना सिखा दो। चिड़िया बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, तुम कल सुबह आ जाना। चिड़िया से भी वह पूछता कि मुझे तुम उड़ना यानी फ्लाई करना सीखना चाहता हूँ, तो तुम भी सुबह सुबह आ जाओ, मैं तुम्हें उड़ना सिखा दूँगी। मेंढक दो तीन दिन तक सुबह सवेरे पहुँच जाता। उसने अपने दोनों पांव उठाकर उड़ने की कोशिश की, दोनों पैर उठाकर उड़ने की कोशिश की।
वह बार बार उछल उछल कर दूर जा गिरता। वह उड़ने की कोशिश के लिए ऊपर उड़ता और फिर से वह नीचे गिर जाता। बच्चों, वो उड़ सकता है क्या? नहीं उड़ सकता, क्योंकि उसको पंख नहीं थे। उड़ना है तो हमको क्या चाहिए? पंख चाहिए। लेकिन मेंढक को पंख नहीं थे, उसे समझ में नहीं आ रहा था, फिर भी वो चाहता था उड़ना, इसीलिए चिड़िया ने उसे सिखाने की कोशिश की। वह बार बार उछल कर दूर जा गिरता। 3-4 दिन बीत गए, मेंढक को उड़ना नहीं आया, इसलिए वह ऊब कर चला गया। फिर से वह उड़ना भी सीखते सीखते बोर हो गया और वह चला गया। चिड़िया पेड़ की डाल पर बैठी देख रही थी, मेंढक नहीं आया। फिर 2-3 दिन के बाद चिड़िया उसका इंतज़ार करती रही, लेकिन कभी भी मेंढक वहाँ पर नहीं आया। तब चिड़िया बोलती है, हर काम परिश्रम लगन अभ्यास से सीखा जा सकता है। अगर हमारे मन में बच्चों लगन यानी इंटरेस्ट, परिश्रम यानी हार्डवर्क, हमारे मन में अगर हार्डवर्क करने की इच्छा हो और लगन हो, तो हम अभ्यास करते करते प्रैक्टिस करते करते कुछ भी सीख सकते। मेंढक के पास इतना धैर्य नहीं था, इसीलिए मेंढक ना उड़ना सीखा ना तैरना सीखा। तो बच्चों, समझ में आई ना कहानी? अगर आप में कुछ सीखने की इच्छा हो तो आप में परिश्रम करना और लगन रहना ज़रूरी है, धैर्य से आगे बढ़ना है, और कुछ भी सीखना है तो उसे आप सीख सकते हैं। किस प्रकार सीख सकते हैं? लगन और परिश्रम के द्वारा सीख सकते हैं। मेंढक रुक्कू के पास यह धैर्य कुछ भी नहीं था, इसीलिए वह न तैरना सीखा न उड़ना सीखा। समझ में आया ना बच्चों? आज के लिए यही समाप्त करती हूँ।